विहान मुझे भूख लग रही है, मैं थोड़ी सी फ्रिज में से चॉकलेट खा लूं? नहीं तू खाना खा। नहीं मुझे खाना नहीं खाना, मुझे चॉकलेट खानी है। मैं खाना खा दो। और आपको भूख लग रही है? लग रही है। आप क्या खाओगे? मैं चॉकलेट खाऊंगी। आप खाना नहीं खाओगे? मौसम इतना ठंडा ठंडा हो गया एक ही दम से, बहुत ठंडी हवा चल रही है और मैं कपड़े धोने वाली थी, देखो मैंने कुर्सी पे रख दिए थे सारे, बट अब मैं सोच रही हूँ। हाँ बेटा, ये साइकिल लेके खड़ा है कि गेट खोलो मैं बाहर, और चलाना भी चाहिए विहान को इस मौसम में तो साइकिल, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, बाहर थोड़ी देर खेलेगा अच्छा लगे। हाँ क्योंकि अब कपड़े तो मैं नहीं धो रही हूँ, क्योंकि मौसम ये देखो पक्षी, बारिश का मौसम हो रहा है, देखो बादल भी आने लग गए हैं, फालतू में कपड़े धोने का आज फायदा नहीं है, कल देखेंगे। और मेरे बाल देखिए आप कितने ऑयली ऑयली से हो रखे हैं, सिर धोने लायक हो रखे हैं। ये विहान और मेरा खाना है, 10:30 बज रहे हैं सुबह के, तो दाल और चावल है, इसको वहीं जा जाके खिल। हाँ हाँ चला लो इसको, घूम वहीं जाके, मैं तो सड़क पे ही खिलाने लग जाती हूँ विहान को, और क्या करूँ ना खाए तो मजबूरी है। अपने हाथों से खिलाती हूँ मैं विहान को, चम्मच से नहीं खिलाती हूँ, और देखो नंगे पाऊँ। मुझे नहीं खाना। बेटा खा लो, देखो बहुत टेस्टी है, टेस्टी टेस्टी दाल चावल, खा लेना लड्डू। खा ले थोड़ा सा। विहान तो खाना खा नहीं रहा, मैं ही खा लेती हूँ। मैं आप सभी के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, एक एक कमेंट्स देखी हूँ, हर एक कमेंट को ना पर्सनली मैं टाइप करके रिप्लाई करके जवाब तो नहीं दे पाती, आप सोच सकते हो इतने सारे कमेंट्स हो जाते हैं, लेकिन मैं आपके कमेंट्स का जवाब ना वीडियो में दे देती हूँ, जो भी आप कहते हो। तो आप कहते हो कि बैठ के खाना खाया कीजिए, लेट कर ना खाया कीजिए, या कहते हो कि बेड पर मत खाया कीजिए, कुर्सी पे खाया कीजिए, तो देखिए आज तो मैंने कुर्सी पे भी खाना खा लिया, लेकिन मतलब एक्चुअली कहना कि आप भी समझ ही सकते हो, थोड़ा सा हो ही जाता है, फिर भी ना ना करते हुए भी बेड पे खाना हो ही जाता है। बाबू अंदर आ जाओ, बारिश आ गई, अभी तेज़ नहीं आई, लेकिन ये देखो ना आप बूंदाबांदी होगी, मेरे को पता था, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है ना विहान। बारिश में ना के। बारिश में नहीं नहाना, अंदर आ जाओ बेटा, बारिश रुकेगी फिर खेल लेना बाहर, ठीक है? आज तो पौधों को वैसे ही पानी लग गया, पानी भी देने की जरूरत नहीं है। अब तेज आ गई है, हाँ बेटा बहुत तेज बारिश हो रही है। विहान फिर घर आ गया था ना, उसके बाद मैंने बाबू को थोड़े से दाल चावल खिला दिए थे, उसके बाद मेरे को था कि चलो विहान को मम्मी के घर लेकर जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे पूरा साफ़ सफाई करनी है, तो इसीलिए एक सेब काट के मैंने कहा विहान को इतने बैठे बैठे थोड़ा सा खिला भी देती हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा ना ऐसे ही करती हूँ, हर एक घंटे डेढ़ घंटे के बाद जैसे बच्चे को थोड़ा सा सेब खिला दिया, कभी एक दो बिस्किट खिला दिया, कुछ ना कुछ जैसे खाने के साथ साथ बच्चे के शरीर में जाता रहे। तो ये देखो सेब मैंने कट कर दिया था, ये इसमें से थोड़ा सा छोड़ दिया था बाबू ने, बाकी खा ही लिया था, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेटूंगी 10 मिनट, ताकि थोड़ा सा मुझे आराम मिले उसके बाद, क्योंकि मुझे काम करना है। और देख लो मैं उस घर की सफाई करने जाती हूँ ना, मेरा इस घर का काम रह जाता है, क्योंकि यही टाइम होता है मेरे को जो मिलता है घर की साफ सफाई करने का दोपहर का। अब मैं रात को करूँगी इस घर की सफाई, तो रात को थोड़ा बहुत कर लेती हूँ झाड़ू वगैरह, तो अब देखो ये पूरा घर ऐसे का ऐसा ही बिखरा पड़ा है, क्योंकि मैंने सुबह से झाड़ू नहीं लगाया, बस मेरा अभी सुबह से ना बस रसोई में खाने पीने का काम हुआ है यहाँ पे। तो देखो यहाँ मैं ताला लगा के जाऊँगी, अंदर भी मैंने ताला लगा दिया था, ये बाहर वाला दरवाज़ा है जो गेट है इस पर भी मैं ताला लगा के, चलो अब हम चलते हैं वो पहले वाला हमारा घर। और आप जो कह रहे थे ना कि सोफ़ा अंदर, एक बार मेरा घर का थोड़ा सा साफ़ सफाई हो जाए फिर इस सोफ़े को अंदर कर लेंगे, आपकी बात सही है। इस सोफे में भी कल को बारिश लगे तो दीमक लग सकती है, कीड़ा लग सकता है सोफे में, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लकड़ी पे वैसे भी पानी नहीं पड़ना चाहिए। तो बस पहले अंदर ही था ये सोफा, मम्मी ने बाहर निकाल दिया था, और अभी यहाँ पे इतना थोड़ा सफाई कर दूं मैं एरिए की, एक दो दिन में मैं इसको अंदर कर दूंगी, क्योंकि अभी तो अब दोबारा बारिश तो नहीं आएगी। तो ये देखो मैं इधर आई थी, आपको पता है कि उस दिन इस पेटी में दो चूहे थे, मरे हुए दो चूहे मैंने निकाले थे,
उसके बाद और आज मैंने पेटी के सारे कपड़े मैंने निकाल दिए थे और आपके कमेंट्स मैंने पढ़े थे कि ये सारे कपड़े ना इनको धो के धूप लगा के उसके बाद इसमें पेटी में रखो। तो देखिए ये कपड़े ना, अगर मैं ऐसे एक एक कपड़ा पे काम करूँगी तो मेरा ये घर तो 6 महीने में भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये जितने भी कपड़े हैं ना सारे ही धोने पड़ेंगे। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक बार ना इनको वैसे तय कर करके, क्योंकि अब इसमें मैंने पेटी तो मैंने साफ़ कर ही दी है, तो इसको तय करके सारे कपड़े ना एक बार लगा देती हूँ, क्योंकि देखो जो भी कपड़े की ज़रूरत होगी ना धीरे धीरे धो लेंगे। एक बार काम ऊपर ऊपर की पूरे घर की तो सफाई हो जाए ना, तो घर जो बिखरा हुआ है वो थोड़ा सेटल हो जाए, क्योंकि ये जो कपड़े हैं ना जो ये बहुत ही ज़्यादा कहते नहीं ख़राब हो चुके हैं, मैले हैं या जो भी हैं इन्फेक्टेड हैं। तो ये कपड़े ना जैसे ज़रूरत पड़ेगी जैसे चार पांच कपड़े ना रोज़ धो दिया करेंगे, 10 कपड़े ऐसे निकाल के पेटी में से निकालते रहेंगे। तो इस तरीके से देखो कुछ स्वेटर्स भी थे, दुपट्टे भी थे, तो इस तरीके से ना ये सारे कपड़ा मैं तय कर करके लगा रही थी। और ना कुछ लीरे बहुत सारी मिली मुझे यहाँ पर, जो टेलर्स की लीर्स होती हैं ना, जैसे टेलर काम करते हैं सूट वगैरह सिलते हैं, तो वो टेलर क्या करते हैं उनकी कतरनें बच जाती हैं सूटों की, है ना, सूटों की साड़ियों की। तो इस तरीके का ना मटेरियल बहुत मिला यहाँ पर, लेकिन मैं वो फेंकूँगी नहीं, क्योंकि इसका कारण है, क्योंकि मैंने ना मम्मी ने उस दिन मेरे पास को फ़ोन करके बोला था कि मैंने, मम्मी की आदत है मैं आपको बताती हूँ, वो जैसे सोने की कोई चीज़ भी होगी ना वो भी ऐसे ही दुपट्टे के बांध देंगे, पैसे भी ऐसे ही दुपट्टे के बांध देंगे। तो अब ट्रस्ट मी, जब मैं यहाँ पे थोड़ा सामान उठा रही थी ना तो मुझे एक दुपट्टा दिखा जिस पे मम्मी का सोने का कोका बांध रखा था मम्मी ने कोने पे। आप सोचो ऐसे मम्मी कुछ भी मतलब अपनी इस तरीके की चीज़ें भी ना मम्मी ऐसे ही रख देते हैं और फिर याद भी नहीं रहता, उनको भूल जाते हैं। तो इसीलिए ना, हाँ बेटा आजा, हाँ ये रहा बेटा मोटू। तो वही मैं कह रही थी कि ना इसीलिए थोड़ा सा ना अभी थोड़ा सा, एक बार तो मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हो गई थी, इतना सारा ही देखो ना सारा ये खिलाड़ा देख देख के मेरे को लग रहा था मैं कैसे करूँगी अकेले, मेरे से कैसे हो पाएगा। एक बार तो मेरे को रोना सा आ गया था देख के ही हालत घर की, कि ये घर क्या था और क्या हालत हो गई है इस घर की। लेकिन फिर मैंने थोड़ा पेशेंस दिखाया, मैंने कहा निधि अगर तू हिम्मत हार जाएगी और ये सोचेगी कि मेरे से नहीं होगा मेरे को नहीं करना, तो फिर तो ये घर ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा, तुझे करना पड़ेगा निधि, तुझे करना है ये घर पूरा सेट अच्छे से जैसा पहले ये घर था वैसे ही इस घर को बनाना है तुझे। तो ये देखो जितने भी कपड़े हैं इनको तय कर करके लगा रही हूँ, और मैं मम्मी का कोई भी सामान फेंकूंगी नहीं बाहर, क्योंकि देखो ये है ना कि अगर मैं ये सामान फेंक दूँ और कल को मम्मी को कुछ नहीं मिला तो मम्मी तो मेरे ऊपर कह देंगे कि तूने गुम कर दिया मेरा सामान, है ना। और मैं ना ये जब सामान सेट कर रही थी तो मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था कि मैंने ना ये गलती कर दी, गलती ये हुई कि देखो मम्मी को ना मतलब जैसे जब दूसरा घर फ्लैट मैंने लिया था तो मैं मम्मी को ना मेरे साथ उस फ्लैट में रह लेती मम्मी, या मैं ये घर ना छोड़ती, मैं इसी घर में रहती, है ना, और वो घर बस सेट करके छोड़ देती। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखो जब तक मैं इस घर में रहती थी ना ये घर ना सेट रहता था पूरा उस, क्योंकि मैं पूरा लगी रहती थी इस घर में, और जो मतलब जैसे मम्मी जैसे मतलब इस तरीके का सामान ज़्यादा नहीं फैलाते उस टाइम, क्योंकि मैं ना पूरा ना मतलब बहुत ही ज़्यादा थोड़ी स्ट्रिक्ट थी इस मामले में कि नहीं मम्मी ये यहाँ मत करो, ये बार बार मत खोलो। मैं मम्मी को बेड बेड वगैरह ना दीवान खोलने नहीं देती थी रोज़ रोज़। मैं मम्मी को कह देती थी मम्मी बस बंद करके रख दिया, अब 1 महीने से पहले नहीं खुलेगा बस, और फिर मम्मी खोलते भी नहीं थे। लेकिन फिर बाद में जब मम्मी यहाँ पर अकेले रहने लग गए ना तो पता नहीं मम्मी को क्या हुआ, समझ ही नहीं आया, वो रोज़ ये सारा सामान खोल देते थे और रोज़ ये सारा सामान फैला देते थे। देखो मैंने कितना सारा सामान अंदर रखा है, लेकिन अभी भी कितना सारा सामान अभी भी नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ है। उधर विहान को लेकर आई थी यहाँ पे, क्योंकि अभी यहाँ पे ना मेरे को ऐसा लग रहा है अभी 1-2 चूहे और मिलेंगे पूरे घर में कहीं ना कहीं, क्योंकि स्मेल आ रही है बहुत गंदी इस घर में से। मैं घर में एंटर कर रही हूँ ना तो बैठा नहीं जा रहा, पंखा चला के विहान को तो आगे वाले कमरे में बैठा दिया, लेकिन सही में बहुत मुश्किल हो रहा है इस घर में साफ़ सफाई भी करना। तो ये देखो ये मम्मी के जो कपड़े हैं, चुन्नी है, सलवार है, सारा मैं सामान तय कर करके यहाँ पेटी में लगाए जा रही हूँ। और ये जो लटकन हैं, कतरने हैं, इनको भी मैं फेंकूंगी नहीं, इनको मैं बस ना एक जैसे ये एक मैंने वो ले लिया मतलब कपड़ा सा, उसमें तय करके सारा कुछ सामान इस तरीके से सेट कर करके रख दूंगी। और कुछ मेरा सामान अगर मुझे यहाँ दिखेगा जैसे मेरा कुछ काम का कुछ यहाँ पड़ा हुआ होगा तो वो मैं अपने वाले घर में ले जाऊँगी।
पर मुझे अब आगे ना मम्मी के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट व्यवहार रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो मम्मी अगर मैं इतनी मेहनत से देखो पूरा ये सामान सेट करने लग रही हूँ, मुझे पता है कि मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा अभी भी इस घर में, और मेरा टाइम भी कितना ख़राब हो रहा है, सोचो ना पूरा इसमें ये ही काम कर रही हूँ अब देखो पूरा घर सेट करना। और अगर मम्मी अब दोबारा यही काम जैसे मान लो आने के बाद फिर से सारी पेटी खोल के फिर से बैठ जाएंगे, पूरा दीवान फिर से खोल देंगे, सामान फैला देंगे, तो फिर मेरी मेहनत पूरी बर्बाद हो जाएगी, मेरा ये सारा काम करने का क्या फ़ायदा होगा। तो मैंने अभी ये सोच रखा है कि ये जितने भी कपड़े हैं इनको एक बार यहाँ से उठाऊँ तो सही, कितने गंदे लग रहे हैं, देखो ज़मीन पर कपड़ा ही कपड़ा पड़ा है ना, तो ये सारा सामान यहाँ से हटा देती हूँ और तय करके लगा देती हूँ एक बार, और उसके बाद जो भी सामान होगा धीरे धीरे धोते रहेंगे या धूप भी धीरे धीरे लगा देंगे, है ना। सारा कपड़ा भी बाहर भी छोड़ना ठीक नहीं है ना, ऐसे पूरा घर के बाहर लगा दूँ धूप लगाने के लिए भी, क्योंकि एक दो कपड़ा हो तो धोने का समझ आता है, ये तो बहुत ही सारा है। तो इसीलिए देखो ये चुन्नी क्या दुपट्टे क्या ये सारे ना ऐसी चुन्नियाँ हैं जैसे इनके सूट तो पहनने के बाद ना घिसके ख़त्म हो गए, पर दुपट्टे नए के नए रह जाते हैं, होता है ना आप लोगों के साथ भी होता होगा, आप पूरा सूट लाते होंगे और सूट तो पहन लेते होंगे और चुन्नियाँ नई की नई रह जाती हैं, तो वो चुन्नियाँ फिर फेंकने का भी दिल नहीं करता, रख लेते हैं संभाल के कि क्या पता कल को कोई और सूट के साथ मैच बन जाए। तो इस तरीके के बहुत से दुपट्टे हैं जो यहाँ पर रखे हुए हैं, और ये देखो इसमें से कुछ कपड़ा था जैसे आज बारिश आई थी ना तो थोड़ा सा इधर बारिश आती है साइड में तो थोड़ा सा गीला हो रहा था, तो वो मैं रखूँगी नहीं। ये मिली मुझे विहान की एक स्वेट शर्ट थी, ये इसको आ जाएगी इस साल सर्दियों में, तो मैंने निकाल ली, मैंने कहा इसको धो देंगे, और ये देखो अभी भी मैंने इतनी देर से लगी हुई हूँ ना, देखो पेटी में मैंने कितना सामान जचा दिया है, इसको मैंने सैनिटाइज़ कर दिया था पेटी को, तो अभी भी इसमें देखो कितनी ज़्यादा गुंजाइश है यहाँ पे काम की, तो मैं यहाँ से सामान देख देख के अभी भी अंदर रखने लग रही हूँ, और अभी तो देखो शुरुआत है, एक कोना साफ होएगा फिर दूसरा होगा फिर तीसरा, भी पेटी में बंद कर देती हूँ, और ये वाला जो ये संदूक है इसमें मैंने खोल के भी नहीं देखा इसमें है क्या, बस इसको ऊपर रख दिया। यहाँ से ये वाला देखो ये विहान का था, जब ये विहान छोटा था ना बिल्कुल तो इसमें झूलता था, तो ये भी सामान इधर साइड में लगा दिया है, और यहाँ से मैं थोड़ा सा ना झाड़ू लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही, मैं देख रही थी पेटी के नीचे से थोड़ा थोड़ा सामान निकलने लग रहा था, तो ये है ना कि यहाँ से भी थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ मैं, और मेरे को ना पेटी के नीचे अभी मैं आपको दिखाऊंगी, कुछ दिखा एकदम से मैं डर गई, मेरे को लगा कि कहीं सांप तो नहीं है, क्योंकि मेरे को सच में सांप लगा था, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे को ऐसा क्योंकि अंधेरे में ऐसा लगता है जब आपको कुछ चीज़ पीछे, मुझे लगा जैसे कुछ अजीब सा कुछ है। तो ये देखो मैं यहाँ पे ना जितनी भी ये पेंटिंग्स वगैरह सामान थी ये ऊपर उठा रही थी ताकि अच्छे से झाड़ू लग जाए, और इस काम में भी मेरा पूरा एक घंटा लग गया था, मैंने पूरा एक घंटा लगा दिया यहाँ यहाँ का एरिया साफ़ करने में, और इससे ज़्यादा देखिए विहान रुकता भी नहीं है, फिर विहान बोलता मम्मा चलो यहाँ से चलो, देखो मैं झुक झुक के देख रही थी, तो मैं फिर मैंने सोचा मैं मोबाइल की लाइट से देखती हूँ फ्लैश लाइट ऑन करके कि इसके नीचे है क्या, क्योंकि ऐसे भी ठीक नहीं है क्या पता क्या हो, है ना, क्या पता चूहा हो क्या हो सांप हो। तो मैंने जब ये रोशनी करी तो मैंने देखा कि मम्मी का ना एक पुराना शॉल था वो देखो एक साइड में रख पड़ा है, तो मुझे इसको ही देख के लगा था कि कहीं सांप ना हो, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा एरिया साफ किया, आपको दिखा रही हूँ मैं, अभी इतना ही हुआ है अभी मुझसे, और इसमें भी मेरा बहुत टाइम लग गया, और ये देखो इधर वाला कपड़ा यहाँ ज़मीन पे इस साइड का कपड़ा तो मैंने लगा दिया सेट कर दिया, और मैं देखो ये अलमारी खोल के देख रही थी, मैंने मम्मी को दी थी कि मम्मी इसमें अपना सामान रख लेंगे, और मैं हैरान रह गई ये देख के कि अलमारी मम्मी ने अभी तक यूज़ में लगाई ही नहीं है, ये देखो ना ये पूरी नई अलमारी खरीद के दी थी मम्मा को कि मम्मा आप इसमें अपना सामान वगैरह लगाओ अच्छे से ताकि कपड़ा ज़मीन पे ना पड़ा रहे फैला ना रहे, तो मैंने कहा ये चलो क्या पता मम्मी ने नीचे वाले खानों में कुछ रख रखा, और ये देखो ये पूरा खाली है, मतलब सामान इनमें कितना सामान आ सकता है भर भर के ना, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ और सारा सामान बाहर पड़ा है ऐसे ही बेड पे पड़ा है कहीं कहीं पड़ा है ना, तो ऐसे ही है, मेरे को घर तो मेरे को अब सेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ना दिमाग तो ख़राब होता है लेकिन क्या करें, थोड़ा सा शांत रह के करना तो पड़ेगा ही, मजबूरी लगा लो या हमारा काम लगा लो कि करना है ये सारा, तो इसमें से जो कूड़ा निकलेगा उसको हम निकाल देंगे डिस्कार्ड कर देंगे, और ये मैं चप्पल पहन लेती हूँ क्योंकि अब विहान और टिक नहीं रहा था, बोलता चलो मम्मी यहाँ से चलो 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 ऐसे करने लग गया था, ये देखो मैं इतना काम करके निकली हूँ आज, मैं थोड़ा थोड़ा ना टाइम निकाल लूँगी, जैसे रोज़ का एक घंटा भी
बचूंगी ना तो काफ़ी फ़र्क हो जाएगा घर में ना धीरे धीरे, क्योंकि मेरे को मेरा वाला घर भी संभालना पड़ता है ना, डबल डबल काम करना ना सुनने में आसान लगता है बट मुश्किल हो जाता है। तो आगे मेरे को क्या करना है, जितना भी कपड़ा है तय कर करके अलमारी में लगा दूंगी, वो लकड़ वाली अलमारी भी खाली पड़ी है। और ये देखो विहान चुपचाप एक घंटे तक बैठा रहा है यहाँ कुर्सी पे, उसने बिल्कुल भी कुछ शिकायत नहीं करी। मैं कह देती हूँ ना विहान यहाँ पे बैठ जाओ, पंखा चला के यहाँ बैठा देती हूँ कुर्सी पे, और ये कुछ भी नहीं करता, चुपचाप बस बैठा था। बच्चा इतना टिकता नहीं है एक घंटे तक बैठ जाए बिना कुछ शरारत किए, लेकिन ये बैठा रहा। फिर मैंने अब बोलने लग गया था चलो चलो मम्मी, तो मेरे को भी तरस आ गया बच्चे पे। मैंने कहा नहीं अब चलना चाहिए क्योंकि बच्चे को भी देखना है, तो ये स्टैंड लेके जाऊंगी मैं ये वापिस। हाँ बेटा भी देती हूँ मोटू पतलू। देखिए उसके बाद घर आई, घर आने के बाद मैंने हाथ धोए, पानी वानी पिया, विहान को पानी वानी पिलाया, उसके बाद अभी आधा घंटा आराम किया, फिर अभी वीडियो की एडिटिंग करी। अब मैं दोपहर का खाने की तैयारी करनी है, देखिए है ना, पहले लंच की तैयारी करूँगी, फिर इस घर का भी काम करना है, फिर ट्यूशन छोड़ना है, पूरा दिन ऐसे निकलता है ना। फिर भी कोशिश करूंगी, टाइम लगेगा तो दोबारा चली जाऊंगी वहाँ मम्मी के घर सफाई करने। तो ठीक है जी, इस वीडियो का चलो मैं ही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय।